नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स आर, आपके साथ मैं हूं अपूर मिश्रा। मार्कस स्टोइनिस एक ऐसा खिलाड़ी जिसने अपने दम पर जो क्वालिफायर टू था उसको पूरी तरीके से पलट दिया, बदल दिया। तो हम अपने इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा दांव दिल्ली की तरफ से जो खेला गया जिसने हैदराबाद को पूरी तरीके से हैरान कर दिया, चित कर दिया। दिल्ली के दांव ने हैदराबाद को किया हैरान। देखिए अभी तक क्या हो रहा था, हर मैच में मार्कस स्टोइनिस को उस तरह यूज नहीं किया जा रहा था। वो चौथे पांचवें छठे नंबर पे आते थे, जब तक वो बल्लेबाजी करने आते थे टीम फंस चुकी होती थी। फिर हालांकि उन्होंने इस आईपीएल में एक दो इनिंग्स तो ऐसी खेली जिन्होंने उनके अंदर का कैलिबर दिखाया, लेकिन कायदे से कल के मैच में जो दांव श्रेयस अय्यर ने खेला उस दांव ने ही मैच को एक तरीके से पूरी तरीके से पलट कर रख दिया। और वो दांव था मार्कस स्टोइनिस को पहली बात तो ओपनिंग करवाना और उसके बाद दांव था पावर प्ले में पांचवा ओवर दे देना। अभी तक दोनों ही चीज़ नहीं हो रही थी, ना तो ओपनिंग करवाई जा रही थी, वहां पर भी उनका मिसयूज किया जा रहा था, बहुत नीचे यूज किया जा रहा था, साथ ही साथ बॉलिंग में भी उनसे बहुत कम ओवर्स करवाए जा रहे थे। तो इसलिए जो ये दांव खेला था ना श्रेयस अय्यर ने अचानक से ओपनिंग भेजने का, उसने देखिए पूरे मैच का रुख पलट दिया। अभी तक पृथ्वी शॉ आते थे, आउट हो जाते थे, फिर दिल्ली के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता था, अच्छी शुरुआत मिल नहीं पाती थी, इसलिए बड़े रन दिल्ली बना नहीं पा रही थी। लेकिन जैसे ही ये दांव खेला श्रेयस अय्यर ने, हैदराबाद को समझ नहीं आया कि आखिरकार करें क्या। सोचिए पावर प्ले में बिना विकेट खोए 60 से ज्यादा रन, कुल मिलाकर 86 रनों की पार्टनरशिप कर दी, 84 रनों की पार्टनरशिप कर दी पहले विकेट के लिए शिखर धवन के साथ। मार्कस स्टोइनिस ने 38 रन बनाए, वो भी ताबड़तोड़ स्ट्राइक रेट के साथ। इससे ज्यादा और क्या चाहिए था, दिल्ली को यही तो चाहिए था। बताइए 80 से ज्यादा रनों की पार्टनरशिप कर दी बिना विकेट खोए, उसके बाद पहला विकेट गिरा, उसके बाद खुल के दिल्ली खेल पाई और इसीलिए 190 रनों तक पहुंच पाई। 190 रन का टारगेट दिया, 189 रन बनाए, उतना ही काफी था। एक ऐसे प्रेशर मुकाबले में, बड़े मुकाबले में 189 रन का स्कोर अच्छा खासा होता है। और उसके बाद देखिए बॉलिंग में भी उन्होंने एक ओवर में आके दो विकेट लगातार गिरा के पूरी कमर तोड़ दी हैदराबाद की। वार्नर को तो पहले झटका दे ही दिया था रबाडा ने, उसके बाद देखिए कि अच्छे लग रहे थे सामने से प्रियम गर्ग और साथ ही साथ मनीष पांडे, दोनों शॉट भी खेल रहे थे, लेकिन स्टोइनिस ने पांचवें ओवर में आके पहले तो बोल्ड किया प्रियम गर्ग को जो अच्छा खेल रहे थे, और उसके बाद उसी ओवर में आखिरी गेंद पर मनीष पांडे को भी चलता कर दिया और मैच का रुख पूरी तरीके से मोड़ दिया। और वहां पर इतना ज्यादा प्रेशर हो गया था हैदराबाद पर कि फिर वो चाह कर भी उस फ्रीडम के साथ नहीं खेल पाई, जिसकी वजह से खामियाजा आखिरी में भुगतना पड़ा। रन रेट बहुत ज्यादा हो गया था, विलियमसन भी चाहकर कुछ नहीं कर पाए। तो ये जो दांव था इसने इस पूरे मैच को पलट दिया, यही दांव अब मुंबई के खिलाफ भी चला जाएगा। आप बताइए कैसा लगा था ये दिल्ली का दांव और क्या मुंबई के खिलाफ भी यही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों।